खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां ग्राम कचोली थानापुरा कलंदर तहसीलदार सदर क्षेत्र के अंतर्गत शिकायतकर्ता विनोद कुमार दुबे और मनोज दास का यह आरोप है कि इसी गांव में रहने वाले एक निजी मिठाई फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री का दूषित बदबूदार पानी गांव में निकासी कर रहा है, जिसके चलते ये बदबूदार पानी लोगों के बीच जमा हो रहा है और इस वजह से संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा 24 घंटे बना रहता है। शिकायतकर्ता का फैक्ट्री मालिक पर यह भी आरोप है कि बदबूदार पानी एक जगह पर जमा होने से गांव के बूढ़े बच्चे आए दिन बीमार हो रहे हैं, जिन्हें सांस लेने संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि निकल रहे फैक्ट्रियों का पानी पीने से कई गायों की मौत भी हो चुकी है। इसके चलते एक दर्जन से ज्यादा की संख्या में ग्रामीणों ने महिलाओं समेत जिलाधिकारी, अयोध्या प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा जन सुनवाई शिकायत निवारण केंद्र पर भी शिकायती प्रार्थना पत्र देकर और विधिक कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार दुबे ने मीडिया कर्मियों को बताया कि यदि शासन और प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में गांव के लोग जिलाधिकारी के यहां धरना प्रदर्शन करेंगे। दुबे हमारे घर के बगल वो फैक्ट्री लगी है उनके, और हमारे बच्चे जितने भी सबको कॉलर पकड़ा है, पकड़ लेबा उल्टी पेट सब का, कितनी गाय मरी गई सब मर गई, और मसा से माछी से हम सब न खाना खा पाओ थे, न पानी पी पाओ थे, कहाँ चला जाए, नलका वहाँ पानी नहीं ठीक है, उस बार हम सब कहाँ तक खरीद के पानी पी, हमारे सबको बहुत उनकी फैक्ट्री तो उनको कौनों चीज के हमको नहीं तकलीफ है, लेकिन वही पानी का वही हमारे बच्चों चार पाँच बच्चे हैं गंदगी से हमको उनकी परेशानी है, और हमारे उनकी कौनों चीज़ की परेशानी नहीं है, ना हमें कौनों दुख है, सिर्फ हमारे बच्चे कालरा पकड़ लिए है, भूखी आवत ब्याह एकदम एक मसा अपना काट दे, रात जियता है न दिन बर्दाश्त बात हमारे शकुंतला। हमारा नाम पूनम देवी है। समस्या हमारी यही है कि जो है कि हमारे बगल में गोमती दुबे ने फैक्ट्री खोल रखा है और जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, बहुत बदबू आती है और मच्छर का प्रकोप बहुत बढ़ गया है और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीमारियाँ बढ़ रही है, दिन रात हम लोग सो नहीं पाते हैं, बदबू इतनी आती है कि खाना खाने में प्रॉब्लम होता है। जैसे मई जून का महीना चल रहा है, कोरोना काल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, गोमती दुबे ने हमारे बगल फैक्ट्री खोला हुआ है, हम पूरे ग्रामवासी सब परेशान चल रहे हैं, और बूढ़े बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं सब बीमार पड़ रहे हैं, 5-6 गायों की मौत हो गई, वो केमिकल का पानी है जो ना वो गंदा पानी पी करके उनकी 5-6 गायों की मौत हो गई है, और सारे गाँव ग्रामवासी सब परेशान हो गए हैं, नलके का पानी खराब हो गया है इस गंदे पानी से, हम लोग सब बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बड़े मच्छरों का प्रकोप चल रहा है, हमें नहीं सो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, हमको और कोई दिक्कत नहीं है, हमको उनकी फैक्ट्री की दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ वही है गंदगी की दिक्कत है। इनके फैक्ट्री से हमको कोई एलर्जी नहीं है, दिक्कत हमको इस बात की ग्रामवासी सारे परेशान हुए, और इतना मच्छर का प्रकोप हो गया है, ये तो सारे लोग अपना जाके फैजाबाद सोते हैं जाके, और यहाँ पे हम लोगों को मच्छर काटते हैं, जो भी हमारा पशु हैं, जो भी छुट्टे जानवर हैं यहाँ आते हैं, उसके बाद इनका पानी भी पीते हैं, और पी के 2-4 जानवर ऐसे मर गए, इनको कोई पता नहीं लगा पाया क्यों ये मर जा रहे हैं, जब इनका संशोधन किया गया तो पता चला यही झाल में ये जाके पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद मंदिर के बगल में सागर है वहाँ पर आते हैं, वो पानी पीते हैं, उसके बाद उस सागर से निकल नहीं पाते हैं, ऐसा कि हमने 1-2 बार जो है 2-3 गायों को जो हमने यहाँ पर दफनाया जिसे भी बुलवा के प्रधान से कह के उन्होंने पैसा भी दिया है और उसको हमने वहाँ पर दफना रखा है। अजय सिंह, यही समस्या है, हम तो थोड़ी दूर पर हैं, यहाँ मच्छर इतना प्रकोप हो गया है कि रात में सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।